प्रमाणाधिकार के तहत उमरिया नगर में 51 हितग्राहियों को विधायक एवं कलेक्टर ने बांटे अधिकार पत्र। मध्य प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी धारणाधिकार योजना के तहत उमरिया नगर के 51 शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक शिव नारायण सिंह एवं कलेक्टर धर्णेन्द्र जैन ने अधिकार पत्र का वितरण किया है। उमरिया कलेक्ट्रेट के सभागार में विधायक शिव नारायण सिंह ने धरनाधिकार का पत्र देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार जनता की हर समस्याओं को निदान करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। शासकीय भूमि पर आवास बनाकर रहने वालों को अब किसी प्रकार के भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूर्व सांसद ज्ञान सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहल पर बनाए गए धरनाधिकार अधिनियम का उमरिया जिले में मूर्त रूप दिया गया है। जिले में अब तक 127 लोगों को अधिकार पत्र दिया जा चुका है। आज 51 हितग्राहियों को मिलाकर कुल 178 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। शेष हितग्राहियों को जांच उपरांत शीघ्र पट्टा प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर धर्णेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि धारणाधिकार के तहत प्राप्त पट्टों से हितग्राही बैंक लोन लेकर अपने लिए अच्छे घर का निर्माण करा सकता है। भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर देने वाली यह योजना निश्चिंत ही आमजन के लिए लाभकारी है। इस दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद सिंह मरकाम, शंभूलाल खट्टर, राजा तिवारी एवं अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राही मौजूद रहे। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। उम्मीद है कि हमारे सम्मानित नागरिक बंधु उमरिया के हताश और निराश थे। अपने साथ साथ वो चिंता के मारे घर का भी विकास नहीं कर पा रहे थे, न घर का निर्माण कर पा रहे थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से लगातार धारणाधिकार को लेकर उमरिया जिला एक मॉडल के रूप में उभरा और पूरे प्रदेश में लागू किया गया धारणाधिकार। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यहाँ की जनता जनार्दन को और यहाँ के हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय पिता श्री ज्ञान सिंह जी को, उन्होंने एक पहल की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि यहाँ के लोगों को पट्टा दिया जाएगा। आज जो जीता जागता उदाहरण है जो आज हम सब ने नागरिक बंधु को पत्र में वितरण किया है और इस वितरण पट्टे में जो भू अधिकार है हमारे सम्मान नागरिक बंधु इससे लोन ले सकेंगे, लोन लेकर घर बना सकेंगे और भी इसमें जो अधिकार हैं उस प्रमाण पत्र में संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। निश्चित रूप से मेरे ख्याल से 31 वर्ष का एक जो अपन समय सीमा दी गई है रिन्यूअल होने का, उस 31 वर्ष के बाद उनका रिन्यूअल होगा। जैसे गाड़ी लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, हर चीज़ कार्ड का रिन्यूअल होता है, उसी तरह इनका रिन्यूअल होगा। तो निश्चित रूप से आज हमारी जनता जनार्दन बहुत खुश है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कलेक्टर साहब को भी कि आपके नेतृत्व में पहली बार धारणाधिकार वितरण हुआ है। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योजना है इसमें शासकीय नदी भूमि पर जो भी व्यक्ति अपना आवासीय या व्यावसायिक रूप से मकान बनाकर 21 दिसंबर 2020 की डेट के पहले से काबिज है उनके लिए पट्टा दिया जाता है। यह हालांकि डेट शासन समय पर बदलती रहती है, हो सकता है आगे इसकी डेट को और भी बढ़ा दिया जाए। तो उससे संबंधित जो भी यहाँ व्यक्ति उस पर अपना मकान बनाकर आवासीय या व्यवसाय के प्रयोजन के रूप में कार्यरत थे उनके लिए आज यहाँ धारणाधिकार के 51 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। इसके पूर्व जिले में 127 पट्टों का वितरण का काम हो चुका है और ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत पहले प्रकरण का निराकरण किया जाता है और बाद में पात्रता अनुसार उनके पट्टे का वितरण किया जाता है। ये पट्टे इनको दे दिए गए हैं, अब इसका ये विधिवत पंजीयन कराकर इसमें जो भी एक भूमि स्वामी के रूप में जो भी सुविधाएं लेते हैं वो सभी सुविधाएं इनको मिलेगी। ये हमारी प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। इसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सबके लिए इस क्षेत्र के जिनको भी पट्टे मिले हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विधायक जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।